नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तथा शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, हाईकोर्ट ने किया इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का जो रिजल्ट है उसे रद्द। वर्ष 2013 में हुई थी भर्ती, अब नया विज्ञापन जारी कर पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 2013 में विज्ञापन के आधार पर इंटर कॉलेजों में चयनित प्रधानाचार्यों की भर्ती निरस्त कर दी गई है। कोर्ट ने चयन बोर्ड को विधिक प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए भर्ती बोर्ड को इन पदों के लिए नए विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश दिया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है संघ लोक सेवा आयोग से। आपको बता दें, IAS IFS आदि के में करियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नया अवसर शुरू हो गया है। 1255 पदों पर यह भर्ती शुरू हो गई है और इसमें चयन प्रक्रिया आप सभी जानते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होता है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 21 फरवरी 2023 तक है। इसमें आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह है कांस्टेबल भर्ती में शामिल 2 साल्वर समेत 3 गिरफ्तार। एसटीएफ ने बुधवार कर्मचारी चयन आयोग की GD कांस्टेबल परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का राजभास कर 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से 2 सालवर व 1 अभ्यर्थी शामिल है। 1 अभ्यर्थी फरार है जिसकी तलाश जारी है। 10 जनवरी को इन्होंने इस तरह के प्रयास किए हैं। वहीं दोबारा भर्ती परीक्षा जल्द धादली से निरस्त की गई थी। 2018 में हुई परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर जल्द ही भर्ती परीक्षा होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया दोबारा कराने के लिए बाकायदा शुरू कर दी है। इसमें 14 लाख अभ्यर्थी लगभग शामिल हैं। दिया है कि इनकी परीक्षा दोबारा कराने में करीब 10 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा, लेकिन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इसीलिए सरकार से बजट की मांग की जाएगी। आयोग जल्द ही परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है ताकि विभागों में रिक्त पद भरे जा सके। तो ग्राम विकास अधिकारी की यह पुरानी परिभर्ती है, आप सभी जानते हैं जो भी अभ्यर्थी सीरियस हैं इसमें उनका चयन निश्चित है। वहीं PCS भर्ती विज्ञापन को लेकर के भी सूचना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS 2023 की भर्ती का विज्ञापन 3rd सप्ताह में जारी होगा, यानी फरवरी के 3rd सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगा। विज्ञापन आने के साथ पदों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार पदों की संख्या बढ़ सकती है। आयोग का प्रयास है कि PCS की भर्ती 1 वर्ष में पूरी हो जाए, मतलब IAS की तरह ही PCS की भी भर्ती। इसमें जो नया बदलाव होना है वह भी इसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। कुछ 2022 की भर्ती में अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट हैं उसमें संशोधन हुए हैं। कुछ अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार पद हेतु उचित न मानते हुए उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। उनके रोल नंबर नीचे आपको देख पा रहे हैं। इसके लिए कल नोटिस जारी की गई थी, यानी 1 फरवरी को इसको नोटिस जारी करके आयोग ने सूचना दी थी उन सारे अभ्यर्थियों को जो कि उचित योग्यता न रखने की वजह से बाहर हो रहे हैं। आगे दिया है, अपन निजी सचिव भर्ती 2010 को लेकर के एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। CBI जाँच में घिरी से भर्ती के चयनितों के स्थायीकरण को लेकर के 2 फरवरी को बैठक प्रस्तावित है। भर्ती में घोटाले के खिलाफ CBI के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने APS 2010 में हुई धांधली के मामले में कार्रवाई करने आदि की बात हो रही है और इनको जो है प्रमोशन देने के खिलाफ है सरकार। इस माह में 9 भर्तियों के लिए होगा इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी की संभावित साक्षात्कार सूचना, उसके आधार पर 9 भर्तियों पर साक्षात्कार कराए जाएंगे। वहीं कल बजट पेश हुआ है, आप सभी जानते हैं बजट में पुरानी में राहत नहीं, नई कर व्यवस्था में पहली बार 50,000 की मानक छूट। जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो
स्टूडेंट के लिए है, छात्रों के लिए है, छात्र इससे बहुत निराश हैं क्योंकि भर्तियों के बारे में बहुत कुछ नहीं स्पष्ट किया गया है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे सकें। थैंक यू वेरी मच।